Good morning, students. Once again, Mehboob Alam. I am taking a question, the topic for feature of shares. Last question मैंने कराया था for feature shares का, जिसमें one problem थी. But यहाँ more than one problems. कि जब question आया मेरे पास एक problem आई बच्चों की query आई कि अगर एक से ज़्यादा shareholders हैं और उनके पास उनके भी share forfeit होते हैं तो क्या solution होगा? तो मैं इसलिए आपकी फरमाइश पे लेकर आया हूँ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 10,000 इक्विटी शेयर कैरी एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज. द प्रॉब्लम इज वन शेयरहोल्डर सीमा, हु इज सीमा, होल्ड 1,000 शेयर्स, शी डिड नॉट पे आफ्टर अलॉटमेंट. यानी कि सीमा ने अलॉटमेंट के बाद कुछ भी पेड नहीं किया है. सेकेंड, वन अनदर शेयर होल्डर्स हु रमेश हु होल्ड 500 शेयर्स, ही ऑल्सो नॉट एबल टू पे फाइनल कॉल्स. यानी कि रमेश है, उसने भी 500 शेयर ले दिए थे और उसने फाइनल कॉल पेड नहीं, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल उसने पेड कर दी. द कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 1,000 भी और ये 500 भी, ये दोनों के दोनों शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाए. ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन टेबल. टेन थाउजेंड शेयर्स, टेन ईच, एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज. मल्टीप्लाई 10 × 20 = 40, 30 and 10,000. क्लियर. नाउ फर्स्ट क्वेरी, हु इज सीमा, हैव 1,000 शेयर्स. He did not pay after allotment. It means application allotment has been paid. Now come to the first call. She didn't paid 1,000 multiplied by 3. It means 3,000 rupees less from the first call. And she also not paid second call. 1,000 multiplied by 1,000 rupees. 1,000 rupees also deducted from second call. The second problem is Ramesh. Hold 500 shares. He did not pay second call. It means application allotment first call. Paid कर दिया उसने, first call नहीं दी. It means 500 multiplied by 1,500 less from the second call. Now received amount is 20,000, 40,000, 27,000 and 8,500. This one is received. Clear? Calculation table आपकी हम अब clear हो गए. Now come to the entry. अब हम पहले इनकी entry वही received due, due received, due received, due received. अब यहाँ भी आपके error नहीं आए क्योंकि ये forfeit कर लिए गए हैं. ठीक, अब मैं आपको डायरेक्ट फॉरफिट वाली एंट्री कराऊंगा, रिसीव ड्यू की एंट्री अब नहीं करूंगा. किसी को देखनी है तो लास्ट वाली वीडियो में आप देख कर सकते हैं, देख सकते हैं. Now come to the point. The forfeited entry is share capital account debit to share forfeiture account to unpaid call. Unpaid call जो नहीं मिली, first call नहीं मिली and second call नहीं, to first call अकाउंट एंड टू सेकेंड कॉल अकाउंट बीइंग या फॉर शेयर फॉरफिटेड. कम टू द अमाउंट, शेयर कैपिटल कितने शेयर फॉरफिट किए? 1,000 किए हैं, 500 है. इट मीन 1,500 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं.
तो शेयर कैपिटल की इनकी से कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितनी 10 रुपीज थी, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मींस 15,000 अमाउंट विल कम शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल में आपकी कितनी नहीं मिली, 3000, फर्स्ट कॉल 3000, सेकंड कॉल में कितनी नहीं मिली, 1000 ये और 500 ये, इट मींस 1500 नहीं मिली। इज इट क्लियर ना, तो कितनी नहीं मिली, 4500 नहीं मिली, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 15,000, इट मींस कितने रिसीव हो गई, इसमें से इनको लेस कर दीजिए, इट मींस 10,500 आपकी शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट आ गई। अब ये इतनी ही कैसे है, ये क्या कौन सी अमाउंट होती है, ये अमाउंट वो होती है जो रिसीव्ड हो जाती है, ठीक है, तो रिसीव्ड यानी कि आपकी 1000 शेयर पर और 500 पर, 1000 पर ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट की अमाउंट यानी कि 2,46 रुपीज एंड 500 पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ये यानी कि 4,639 रुपीज ये और 6 रुपीज ये इनसे मल्टीप्लाई करके देंगे तो आपकी इतनी ही अमाउंट आएगी। दिस द इजी ट्रिक टू कैलकुलेट शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट, इज इट क्लियर, ओके थैंक्स, नोट इट डाउन।